दोस्तों आज फॉर द फर्स्ट टाइम अपने इस चैनल पे हम किचन का एक प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप। देंगे आपको इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी, क्या ये इंडक्शन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए फटाफट इस बॉक्स को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ये है अपना फिलिप्स का इंडक्शन कुकटॉप। अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, बहुत ही कमाल का लगा मुझे, और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ओनली 2.1 केजी का है, तो इसको मूवमेंट वगैरह करने में भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है, जो दिखने में काफ़ी हद तक खूबसूरत, एंड आई बिलीव अगर आप किचन में इसको रखते हैं तो किचन का एक लुक जो होता है ना, बिल्कुल प्रीमियम वाली फीलिंग आपको आएगी। एडी टॉप आपको यहाँ पे मिलते हैं ग्लास, इसी के साथ साथ ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप इंडक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसकी बैक हैंड साइड में देखें तो यहाँ से बड़ा सा पंखा दिया गया है, जहाँ से ये एयर को इनपुट करेगा, अंदर हवा जाएगा यहाँ से, और ये जो पीछे वाला सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से हवा जो है बाहर की ओर जाएगा, जिससे आपका इंडक्शन जो है कूल रहे, ठंडा रहे और बेटर परफॉर्म करे। जब भी आप इंडक्शन यूज करते हैं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, तो बहुत सारा कंजस्टेड एरिया में रख देते हैं जहां से मतलब एयर पास होने का जगह ही नहीं होता। मेक श्योर जब भी आप इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं ना, एक ऐसा जगह हम रखें जहां से आगे पीछे थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल, एटलीस्ट 10-15 सेंटीमीटर का स्पेस रहेगा आगे पीछे सामने, तो गर्म हवा जो है बाहर निकलेगा और आपका इंडक्शन बेटर तरह से परफॉर्म करेगा, और ओवर हीट नहीं होगा इंडक्शन तो आपका इंडक्शन ज्यादा समय तक लास्ट भी करेगा। ओवरऑल केबल क्वालिटी मुझे काफी हद तक सही लगा, ये 3-पिन जैक के साथ में आता है और अराउंड 1.5 मीटर का केबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सब के अलावा जो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रिस्टल ग्लास, और इसके ऊपर भी जो सर्कल आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी एरिया में हीट जनरेट होगा, आउटर एरिया में हीट बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा। तो ध्यान रहे, खाना बनाते वक्त आप इसी सर्कल के अंदर में ही अपने बर्तन को रखिए, तो ही आपका खाना जल्द से जल्द पकेगा। अब चलिए एक बार में इसकी कंट्रोल पैनल के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस इंडक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया इस प्रोडक्ट की रिव्यू करने के लिए। हमने इसको परचेस किया ताकि आपको बता पाऊं आपको ये इंडक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस इंडक्शन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेंगे तो आपको ये इंडक्शन सबसे सस्ते दाम में भी मिल जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको एक्सप्लेन करते हैं इसकी कंट्रोल पैनल के बारे में। तो अब चलिए, थोड़ा सा पानी में यहाँ पे रख लिया हूँ बर्तन, आप देख सकते हैं, और इसको हम बिल्कुल यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि सैंपल दिखाने के लिए हमें यहाँ पे बर्तन रखना जरूरी है, क्योंकि ये ठीक से एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे मिलता है पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, इसको प्रेस करते ही आपका इंडक्शन जो है टर्न ऑन हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर मोड, स्लो कुक मोड, स्टीर फ्राई, और जैसे जैसे इन बटन को प्रेस करें यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। ग्रेवी आप देख सकते हैं टेम्परेचर हो चुका है 130 डिग्री और 800 वाट पर रन हो रहा है। रोटी डोसा आप देख सकते हैं 130 डिग्री चल चुका है, 800 वाट पर ये भी रन हो रहा है। इन सब के अलावा आप चाहो तो मैन्युअली भी इन सब को एडजस्ट कर सकते हैं। मैन्युअली के लिए आपको मैनुअल बटन पर क्लिक करना है, फिर जाना है टेम्परेचर पे, और इस प्लस से आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, मैक्स टू मैक्स 240 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2100 वाट तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और माइनस बटन से आप इसके टेम्परेचर को घटा सकते हैं। प्लस यहाँ पर टाइमर का भी ऑप्शन दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाइमर बटन पर क्लिक करता हूँ, और इस प्लस से आप इसके टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और माइनस से टाइमर को घटा सकते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्टली 1 मिनट पे लेकर के आते हैं, और अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद ये इंडक्शन खुद ब खुद बंद होता है या फिर नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मिनट होते ही पानी जो पूरी तरह से गर्म हो चुका है और अपना इंडक्शन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्न ऑफ हो चुका है, इसका मतलब ये जो इंडक्शन है प्रॉपरली काम कर रहा है। ऑल राइट गाइस, बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस इंडक्शन कुकटॉप को लेना चाहते हैं मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा, और एल्स आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको ये इंडक्शन मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटी को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।